हेलो एवरी वन वेलकम टू सी बी एस सीडा टू पॉइंट जीरो माएस अध्याय फ्राम एथ स्टैंडर्ड एंड आई स्टडी इन ब्रिजनी कॉन्वेंट स्कूल चंदनिया चंदौली आई एम फोर्टीन ईयर ओल्ड आई लिव इन रामगढ़ चंदौली एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो लेट्स सॉल्व इट तो हमारे हमें यह है कि इफ टू पावर एक्स इक्वल टू थ्री पावर वाईवल सिक्स पावर जेड है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड इज़ी है पर ले सॉल्व करते हैं हम लोग सबसे पहले यहाँ हम लोग लिख लेते हैं टू पावर एक्स इक्वल्स थ्री पावर वाई इक्वल सिक्स पावर जेड तो इन इस तरह की, तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि इन तीनों के इक्वल्स में इक्के वेरिएबल मतलब कोई वेरिएबल वेरिएबल नॉर्मली हम लोग के लेट करते हैं तो यहाँ पर के लेट कर लेते हैं अब फिर उसके बाद क्या करते हैं कि के के टर्म में हम लोग टू थ्री और सिक्स की वैल्यू निकालते हैं तो यहां पे भी हम लोग को निकालना होगा तो निकाल लेते हैं यहां हो जाएगा टू पावर एक एक्स इक्वल्स के थ्री पावर वाई इक्वल्स के और सिक्स पावर जेड इक्वल्स के इतना हमें पहले से ही दिया है और हमें Uh, मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर कोई भी चीज़ है ए पावर एम है अगर इक्वल बी है तो ये ए है और जब ये एम पावर जो एक्सपोनेंट है जब वो वो साइड जाएगा हम लोग इसे ट्र, जैसे ट्रांसपोज करते टाइम प्लस साइन माइनस हो जाती है मल्टीप्लाई में जो होता है वो डिवाइड में हो जाता है वैसे इसमें जो ये पावर होती है एम यानी कि एक्सपोनेंट वो राइट right, मतलब किसी भी साइड अगर हम लोग ट्रांसपोज करते हैं वैसे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है मतलब यहाँ पे भी हो जाएगा बी पावर वन अपॉन एम तो इसी बेसिस पे हम लोग इसे यहाँ पे निकालेंगे तो टू हो जाएगा के टू इक्वल टू के पावर वन अपॉन एक्स क्योंकि इधर पावर था इधर जाएगा तो के पावर वन अपॉन एक्स हो जाएगा फिर यहाँ पे हो जाएगा थ्री इक्वल टू के पावर वन अपॉन वाई उसी तरीके से और यहाँ पे हो जाएगा सिक्स इक्वल के पावर वन अपॉन के के पावर वन अपॉन जेड अब हमें टू के थ्री के और सिक्स के टर्म में भी हमें के की वैल्यू निकल गई है अब इसमें से इन तीनों में से जो सबसे बड़ा कॉन्स्टेंट होगा हमारे पास उसे हम लोग लेंगे तो सबसे सबको सब पता है टू थ्री और सिक्स में सिक्स ही बड़ा है तो यहाँ पे हम लोग सिक्स को ले लेंगे सिक्स इक्वल्स के पावर वन अपॉन के पावर वन अपॉन जेड अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोगों को क्या करना होता है कि यहाँ पे सिक्स का प्राइम फैक्टराइज करना होता है तो यहाँ पे प्राइम फैक्टराइज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हम लोग को पता है टू इन टू थ्री सिक्स होता है डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वन अपॉन जेड के इक्वल ये टू नहीं है जेड हाँ। है अब यहाँ पे हमने टू का टू और थ्री की भी वैल्यू निकाल ली थी तो उसको बस यहाँ पे पुट कर देंगे के जो हो जाएगा, के पावर वन अपॉन एक्स इंटू थ्री पावर अरे थ्री की वैल्यू निकालना है ना तो के पावर वन अपॉन वाई के पावर वन अपॉन जेड हमारे पास पहले से ही थान अब यहाँ पे ये हमारा जो ये जो बेस है और ये भी बेस के है दोनों में बेस तो बेस इक्वल तो पावर ऐड हो जाएगी हमें पता है ए पावर एम इन टू बी ए पावर एन होता है तो हो जाता है ए पावर एम प्लस एन तो इसी के बेसिस पे यहाँ पे हम लोग कर लेंगे यहाँ पे हो जाएगा हमारा के पावर वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इक्वल के पावर वन अपॉन जेड चल ही रहा है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा बेस इक्वल है तो हमारी जो पावर होगी वो भी इक्वल हो जाएगी तो ये इक्वेट करा लेंगे हम लोग उसको तो यहां जाएगा हमारा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई इक्वल जेड पर हमें तो वैल्यू नहीं निकालनी है हमें निकालना क्या है जेड की भी वैल्यू निकालनी है और छोटा कर देता हूं ताकि थोड़ा जगह मिल जाए

पर यहाँ पे माइनस वन अपॉइंट जेट हो क्या तो था माइनस अगर चाहिए होता तो हम लोग ऐसे निकाल लेते हैं और ये होता है पर हमें चाहिए क्या प्लस तो इस साइड तो वन पॉइंट जेड है नहीं तो दोनों साइड हम लोग को वन पॉइंट जेट वन जेट का को ऐड करना होगा ऐड कर लेते हैं यहाँ पर हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉइन्ट जेड इधर ऐड करेंगे फिर वन अपॉइंट जेड फिर यहाँ पहले से ही और वन अपॉइंट जेड एक और ऐड कर देंगे क्योंकि हम लोग को प्लस में वन अपॉइंट जेड किया था इसलिए हमने ऐड किया अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन जेड की वैल्यू हमारी आ जाएगी अगर जेड पे एल्सियम लगाएंगे हम लोग यहाँ पे हो तो जाएगा जेड और यहाँ हो जाएगा वन प्लस वन तो हमारा आंसर आ जाएगा टू अपॉन जेड जो कि ऑप्शन नंबर सी है टू अपॉन जेड तो हमारा ये क्वेश्चन था इसका आंसर आ गया एक बार और मैं इसे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बहुत बड़ा है Uh, two, हमें यहाँ दिया था कि इफ़ टू पावर एक्स इक्वल पावर वाई इक्वल टू सिक्स पावर जेड द वैल्यू पावर वाई प्लस जेड हाँ वन पॉइंट जेड तो यहाँ पर टू पावर एक्स को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अलग अलग टर्म्स में टू थ्री और सिक्स uh, का मतलब जो भी कॉन्स्टेंट दिया रहेगा उसका के के टर्म में निकालते हैं वैल्यू तो यहाँ पर हमने निकाला टू पावर एक्स इक्वल के था तो टू इक्वल टू के वन पॉइंट एक्स हो गया ऐसे ही हम लोग तीनों का निकाला फिर उसके बाद हमने क्या हम लोग को क्या, हमने क्या, हमने क्या और करना होता है कि टू थ्री और सिक्स होता है तो सबसे बड़ा इसमें से जो होता है तो सबको पता है सिक्स सबसे बड़ा है तो हमने यहाँ सिक्स को लिया तो सिक्स इक्वल टू के पावर वन अपॉइन्ट जेड हम लोग निकाले थे यहाँ पे अब उसके बाद क्या करना होता है सिक्स का प्राइम फैक्टराइज तो हमने यहाँ प्राइम फैक्टराइज भी किया सिक्स इक्वल टू टू अपॉइन्ट टू इंटू थ्री किया तो टू इंटू थ्री का वैल्यू हमने अलग अलग निकाल चुके थे लेकिन हम लोग निकाल चुके थे थे टू की जगह टू का और थ्री की जगह थ्री का वैल्यू रखा हमने फिर यहाँ पे बेस सेम हो गया हाँ, यहाँ पे हो गया के और के और तो हमने पावर को कर दिया के पावर प्लस वन वाई दुस दुस पावर फिर हो हो गया गया दोनों दोनों का एक हमारा बेस सेम हो गया, के -के, तो हमने क्या किया कि पावर को इक्वेट करा दिया तो यहाँ z आ गया तो हमें जेड भी चाहिए था इसमें तो हमने दोनों साइड वन पॉइंट जेड वन पॉइंट जेड का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा आ गया टू पॉइंट जेड जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। अब इसी का हम लोग एक ट्रिक देखते हैं तो ट्रिक हमारा ये होता है बहुत सिंपल होता है ट्रिक यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होता है कि सिक्स uh, है तो सिक्स सिक्स को हम लोग सबसे पहले हम लोगों को हम लोग को पता है टाइम फैक्टराइज करना होता है सबसे बड़े बड़े नंबर को तो टू टू इंटू थ्री सिक्स को टू इंटू थ्री की पावर इक्वल टू के लिख देना होता है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे जो टू होता है जैसे टू है यहाँ पे तो इसके पावर में यहाँ पे एक सेकेंड यहाँ पे टू इंटू थ्री टू सिक्स तो यहाँ पे टू बड़े नंबर का हमने प्राइम फैक्टराइज किया इसके पावर में वन इसके पावर में भी वन और इसके पावर में भी वन है तो हम लोगों को क्या करना होता है कि ये जो इसके पावर में जो मतलब जो हमने ये निकाला है यहाँ पे इसके पावर में टू तो के पावर में जो वन है उसको पहले ऊपर लिखना होता है फिर अपॉन के जो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है टू के पावर मतलब यहाँ पे एक्स उसे नीचे लिखना होता है फिर ये प्लस प्लस करना होता है फिर थ्री में यहाँ पे जो ये वन है थ्री में भी जो ऊपर वन है पावर में तो यहाँ का पावर ऊपर लिखना होता है और यहाँ पे जो पावर दिया है उसे नीचे लिखना होता है मतलब वन अपॉन वाई इक्वल्स इसमें सिक्स में भी यहाँ पे ऊपर है यहाँ पे है वन यहाँ पे है वन और यहाँ पे है जेड तो वन अपॉन जेड हो जाएगा ट्रिक में ऐसे करना होता है फिर हमारा ये डायरेक्ट आ गया हमें उतना टाइम जम नहीं करना पड़ा डायरेक्ट आ गया अब बस हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड वन अपन वन अपन एक्स प्लस वन अपन वाई तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे कि वन अपन जेड को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे फिर से हमारा इतना जल्दी आंसर आ गया वन अपन प्लस वन अपन वाई प्लस वन अपन जेड इक्वल टू टू अपन टू अपन जेड अब ट्रिक में एक बार और समझा दे रहा हूँ ट्रिक में क्या है कि सबसे पहले हम लोग को बड़ा नंबर सबसे लेना होता है सिक्स और फिर क्या करना होता है कि उसका प्राइम फैक्टराइजेशन और टू इंटू थ्री लिख दिए अब सबके पावर में वन 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 है पहले से ही तो यहाँ पे जो पावर में है उस पावर को ऊपर और यहाँ जो पावर है उसको उसके अपॉन में लिखना है तो वन अपॉन एक्स हो जाएगा उसको उसके अपॉन में लिखना होता है फिर प्लस करना होता है और फिर ये इसके पावर में जो वन है और यहाँ पे जो पावर में वाई है वैसे लिख देंगे तो यहाँ वन अपॉन वाई हो जाएगा इक्वल सिक्स के पावर में यहाँ पे वन है तो यहाँ वन हो जाएगा ऊपर और यहाँ पे जेड है तो यहाँ नीचे जेड हो जाएगा तो ऐसे किया हमने तो ये आ गया हमारा डायरेक्ट वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉइंट वाई इक्वल टू वन जेड आ गया अब हम लोग को वन पॉइंट जेड भी चाहिए था इसमें तो हमने सिंपल बस हम लोग को ये आ गया बस डायरेक्ट हमने वन प्लस वन पॉइंट जेड प्लस वन जेड दोनों साइड कर दिया तो हमारे वन अपन एक्स प्लस वन अपन वाई प्लस वन जेड की वैल्यू टू अपॉइंट जेड आ गई बहुत जल्दी ट्रिक का यही फायदा है कि बहुत जल्दी सो जाता है आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दूसरा क्वेश्चन भी इसी की तरह है बस यहाँ पे क्या है कि नंबर्स की जगह जहाँ पे हमें टू पावर एक्स दिया था वहां पे हमें एक्स पावर वाई दिया है। मतलब कांस्टेंट की जगह वेरिएबल दे दिया है तो इसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं एक्स पावर वाई इक्वल टू z पावर x इक्वल टू y पावर z और यहाँ पे एक कंडीशन दिया है हमें कि एक्स वाई एक्स जेड बराबर है किसके वाई स्क्वायर के तो हम लोग इसे वही उसी तरह का क्वेश्चन है इस तरह का इसी तरह का क्वेश्चन है तो हम लोग इसे प्रोसेस से भी करेंगे और टिक से भी करेंगे तो सबसे पहले प्रोसेस से लगाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि एक्स हमें ये कंडीशन दिया है कि एक्स जेड इक्वल टू वाई स्क्वायर हमें पहले से ही दिया है ये जेड नहीं है ये वाई स्क्वायर है टूल देता हम अच्छे से यहाँ पे वाई स्क्वायर है अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पावर में टू है सबका जैसे उसमें वैल्यू हमने निकाला था अलग अलग उसमें वैसे ही इसमें भी हम लोग इक्वल्स में यहाँ पे के लिए कर लेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग वैसे ही वो निकालेंगे अलग अलग सबका तो यहाँ पे हो जाएगा x पावर y इक्वल्स x एक्स पावर y इक्वल्स k तो x हो जाएगा हमारा k पावर वन अपॉन वाई और यहाँ पे z पावर x इक्वल्स k तो यहाँ पे भी हो जाएगा हमारा z इक्वल्स k पावर के वन अपॉन के पावर वन अपॉन एक्स और y पावर z इक्वल्स हमारा यहां पे है तो यहां पे हमारा हो जाएगा वाई इसवल्स के पावर वन अपॉन जेड जैसा कि हमने पिछले वाले ऑक्शन में किया था बस के की कॉरिस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू निकाली है हमने और कुछ नहीं किया है अब इसके बाद हमें क्या करना होगा कि यहां पे हम लोग कंडीशन दिया है क्या कि एक्स जेड इक्वल्स वाई स्क्वायर तो इससे जगह हम लोग के की कॉरिस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उसको पुट कर देंगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू के पावर वन अपॉन वाई प्लस जेड की वैल्यू के पावर वन अपॉन एक्स इक्वल्स वाई की वैल्यू के पावर वन अपॉन जेड और वाई नहीं है यहाँ पे वाई का स्क्वायर मतलब कि इसका होल स्क्वायर समझ में आया ना यहाँ पे वाई नहीं है पिछले में यहाँ पे uh, सिर्फ एक सिक्स uh, था पर यहाँ पे यहाँ uh, वा, 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 पे वाई स्क्वायर है तो वाई का वैल्यू तो लिखेंगे ही पर इसके बाद साथ, साथ हम लोग स्क्वायर भी करेंगे तो इसे हम लोग अगर आगे सॉल्व करेंगे हो जाएगा के पावर वन अपॉन वाई प्लस के पावर एक्स इक्वल टू के पावर इसका पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा टू अपॉन जेड क्योंकि स्क्वायर uh, है और जेड नीचे है तो टू अपॉन जेड हो जाएगा अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा यहाँ पे भी हमें दिख रहा है साफ साफ बेस इक्वल एक सेकेंड सबसे पहले तो <coughs> ये मल्टीप्लाई में है सॉरी यहाँ पे ये कुछ नहीं था मैंने प्लस लिख दिया था गलती से वो मल्टीप्लाई में है यहाँ पे यहाँ पे बेस इक्वल बेस सेम है और मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में है तो पावर ऐड हो जाएगी तो सिंपली हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेंगे k पावर 1 अपॉन y 1 अपॉन x इक्वल्स हो जाएगा हमारा k पावर 2 अपॉन z अब यहाँ पे भी हमें मिल गया दोनों साइड का इस साइड का भी बेस इक्वल और इस साइड का भी बेस इक्वल तो पावर को हम लोग इक्वेट करा लेते हैं उससे पहले इसको छोटा कर लेते हैं हाँ अब यहाँ पे ये यह मिल गया हमें तो पावर को यहाँ पे हम लोग इक्वेट करा लेते हैं वन अपॉन वाई प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू अपॉन जेड अब हमें क्या चाहिए भेल? वैल्यू हमें किसकी चाहिए हाँ मतलब पूछ रहा है हमें हम लोगों से, से इसमें इसमें से कौन सा करेक्ट है तो हम हम लोग जेड की वैल्यू सबसे पहले निकाल के देखते हैं क्या पता तो पहला वाला ही करेक्ट हो जाओ करेक्ट हो जाए तो जेड की वैल्यू निकालने के लिए सिंपली यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसको ऐड करते हैं वन अपॉन वाई प्लस वन अपन एक्स तो यहाँ पर हो जाएगा नीचे एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर हो जाएगा यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल्स यहाँ पर टू अपन जेड है ही पहले से टू अपॉन जेड लोग उठा के इधर कर लेते हैं आई होप दिख रहा होगा ये टू अपॉन जेड यहाँ पे हो गया अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो इसमें हम लोग क्या करेंगे अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों का आ, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा जेड का मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई में जेड का एक्स वाई दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स ये टू का एक्स वाई में हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स वाई तो हम हमें यहाँ पे जेड की वैल्यू आ जाएगी यहाँ जेड मल्टी जेड ये जेड हो जाएगा और यहाँ पे ये यह मल्टीप्लाई में था इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा तो यहाँ पे तो आ जाएगा टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई तो जेड की वैल्यू आ गई हमारी टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई तो क्या पता जेड की वैल्यू हमारी सही आ जाएगी तो पहला ही स्टेटमेंट जो है ऑप्शन है वो सही हो जाएगा जेड इक्वल्स टू एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई जेड टू एक्स वाई एक्स प्लस वाई तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा क्योंकि जेड की वैल्यू ही इन सब में से करेक्ट है तो अब इसी इसी क्वेश्चन को हम लोग ने प्रोसेस से तो लगा लिया अब इसे हम लोग ट्रिक से लगा के देखते हैं एक बार मैं इसी कर लेता हूँ प्रोसेस से बहुत लेंदी हो जाता है ट्रिक से आसानी से हो जाता है हाँ तो हमें यहाँ पे वो दिया है सबसे पहले X, Z y square. Y square. तो कंडीशन कि एक्स जेड इक्वल्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर तो यहाँ पे इसके पावर भी वन इसके पावर भी वन उसके पावर टू पर ऐसे ही दिया है हमें ट्रिक में क्या करना होता है कि यहाँ पे जो उसके पावर में है उससे ऊपर अपॉन अपॉन यहाँ पे जो पावर में है एक्स के पावर में यहाँ पे वाई है यहाँ पे वन है तो वन ऊपर और वाई नीचे और प्लस जेड के पावर में यहाँ पे वन है और यहाँ पे जेड के पावर में एक्स है तो एक्स नीचे इक्वल्स वाई के पावर में यहाँ पे टू है तो टू ऊपर और यहाँ पे जेड है तो जेड नीचे डायरेक्ट हम लोग इसी वाले स्टेप इस पे आ गए सीधा ट्रिक की वजह से और अब हम लोग क्या करना होगा बस सिंपली इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे ऐड uh, कर देंगे तो आ जाएगा आंसर एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स वाई और एक्स वाई इक्वल्स टू अपॉन जेड अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई तो यहाँ पे जेड हो जाएगा और यहाँ पे ब्रैकेट में ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और इधर मुलाकात टू है, है मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टू एक्स वाई टू एक्स वाई अब ये जेड इधर मल्टीप्लाई में है जेड इस वो है मल्टीप्लाई में और उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा इक्वल्स टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई तो हमारा बस गिने चुने एक दो तीन चार स्टेप में आंसर आ गया उसमें हम लोग को पूरा भर गया था बोर्ड छोटा करना पड़ रहा था तो ट्रिक की यही खासियत होती है तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया इसमें भी ए वाला ऑप्शन जेड इक्वल्स टू टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई करेक्ट होगा इसमें तो आ, इसमें करेक्ट होगा अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है जो वो दूसरे टाइप का है तो इसको आप लोग होमवर्क में लिख लीजिए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से पहला और दूसरा और ट्रिक भी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो